बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं केक विदाउट ओवन। तो यहाँ पर 2 कप मैदा मैंने लिया है और 1 कप मैंने आपको रख लिया, आपको दिखाने के लिए जो है ना रख लिया था। छान के जो है वो इस्तेमाल करना है मैदे को हमने, क्योंकि जितना अच्छा छानेंगे उतनी अच्छी हवा जाएगी। आप चाहें तो 2-3 दफ़ा भी इसको छान सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको छान लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा और 2 टीस्पून जो है हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। तो ये देखिए हमने इसको डाल दिया और इसको अच्छा सा हम इस तरह मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें जो हैं वो आराम से मिक्स हो जाएं, हर जगह इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो और मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि यहाँ कुकर जो है ना वो मैंने रखा हुआ है। हम कुकर में बनाएंगे, प्रेशर कुकर में। तो कुकर मैंने रखा हुआ है 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए। अंदर इसके मैंने एक स्टील की प्लेट रख दी है ताकि ये जो नीचे से है इसका पैदा जो है वो केक को जलाए ना। और दूसरी बात, जिस चीज़ में हमने ग्रीस करना वो केक बनाना है उसको मैंने ग्रीस करके रख दिया है। नीचे बटर पेपर लगाया है और उसको ग्रीस किया है ऑयल से, और साथ में इसको डस्ट भी कर दिया है मैदे से साइडों से। तो ये हमारा बर्तन भी रेडी हो चुका है। तो हम चलते हैं अपने अंडों की। तो जी हमने 4 अंडे ले लिए हैं। एक बीटर की मदद से इसको हम अच्छा सा बीट करते हैं झाग बनने तक। दो से 3 मिनट हमने इसको अच्छा सा फेंट लिया है। अब हम इसमें 1 कप जो है पाउडर शुगर यूज़ करेंगे। ये देखें हमने इसमें 1 कप पाउडर शुगर डाल दी है। थोड़ा सा मैदा इसमें शामिल करके, जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा जो रखा हुआ था अच्छा सा, इसको थोड़ा थोड़ा सा डालकर हम इसको मिक्स करेंगे। लेकिन इसके मिक्स करने का अंदाज़ इस तरह होगा कि हमने इसको फोल्ड करना है, एक ही साइड पे घुमाना है और तेज़ तेज़ नहीं घुमाना। इस तरीके से बीच में ऐसे ले आएँ इस तरह करके, इस तरह, लेकिन दूसरी साइड पर हरगिज़ आप नहीं घुमाएँगे, ठीक है। ये देखें, और 4 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल भी शामिल करेंगे। लेकिन हम पहले इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा, थोड़ा थोड़ा सा मैदा शामिल करते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। और बहुत हल्के हाथ से आपने करना है और बहुत तेज़ तेज़ आपने नहीं करना और उल्टी साइड पे हरगिज़ नहीं घुमाना, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें बहुत हल्का हल्का सा हमने करना है। अब मज़ीद हम मैदा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा सा शामिल करें और इसी तरीके से एक ही साइड पर घुमाते हुए इसको हमने फोल्ड करना है। ये तमाम मैं कर लूँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है। लेकिन अभी हम इसमें खाने के तकरीबन 4 चम्मच जो है ना वो ऑयल शामिल करेंगे। इससे केक जो है ना वो बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। ये देखें ये हमने ऑयल शामिल किया और इसी तरीके से हल्का हल्का सा इसको फोल्ड करेंगे। और अभी हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। थोड़ा सा हमने देखें इसमें दूध शामिल किया है और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर जो है ना वो देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया है। ये देखें इस तरह गिरना चाहिए। और अगर आपके आप जो है वो दूध आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 3-4 चम्मच दूध के मज़ीद शामिल किए थे, तो तकरीबन 8 से 9 चम्मच जो है वो मैंने दूध शामिल किया है। तो बैटर इस तरह का हो गया है, ये देखें, ठीक है। इस तरह का बिल्कुल स्मूथ गिरना चाहिए, इसको ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए आपका बैटर, वरना केक अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह का हो गया है हमारे पास। तो अब हम इसको शिफ्ट करते हैं इस बर्तन में जिसमें हमने इसको तैयार करना है। ये देखिए कितना स्मूथ गिर रहा है। तो इस तरह का होना चाहिए आपका बैटर।
तमाम बैटर हमने इस बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। इसको थोड़ा सा इस तरह टैप करेंगे ताकि इसकी सारी एयर निकल जाए। और अब हम इसको कुकर में जो है हमने बंद किया हुआ ढक्कन, इसको खोलते हैं और इसमें रखते हैं। कुकर में देखिए हमने एक प्लेट रखी हुई है, कुकर हो चुका है प्री हीट, तो हम इसके अंदर इसको रखते हैं बहुत ही आराम के साथ। देखिए अपना हाथ बचा के हम इसको सीधा रखेंगे और कुकर को बंद करते हैं। पहले 3 मिनट हम तेज़ फ्लेम करेंगे और उसके बाद जो है बिल्कुल लो रख कर हम इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट पकाएँगे। चेक करेंगे बीच में, देखिए हमने इस तरह बंद किया है लेकिन हमने इसका वेट नहीं लगाया है, सिर्फ इसी तरह बंद किया है। और पहले हमारा फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे, उसके बाद हम 3 मिनट के बाद जो है इसको लो कर देंगे। केक अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा अच्छे से बेक हो गया है, तकरीबन 35 मिनट लगे हैं। और ये स्टिक देखें हम इसमें डालते हैं, तो ये देखें ये स्टिक जो है वो बिल्कुल साफ निकली है, इसका मतलब है कि केक रेडी है। तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं और ठंडा होने देते हैं, तो जब तक हम अपनी क्रीम तैयार करते हैं। तो जी क्रीम के लिए हमने 1 कप क्रीम ले ली है और इसको हम फेंटेंगे। अच्छा जी क्रीम को फेंटने के बाद ना हमने इसमें पाउडर शुगर मिलाई है 3 खाने के चम्मच और इसको मिक्स करेंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है, ये मेरे पास मिल्क पैक क्रीम है, तो मिल्क पैक क्रीम से इतनी ज़्यादा फूलेगी नहीं। अच्छा जी क्रीम को जो है ना वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया क्योंकि वो विप नहीं हो रही थी, क्योंकि वो विपिंग क्रीम नहीं है, वो मिल्क पैक की क्रीम है। तो वैसे मेरा इरादा तो क्रीम केक बनाने का नहीं था, मैंने वैसे ही केक बनाना था, लेकिन मैंने सोचा अगर वो विप हो जाती है तो मैं इसका क्रीम केक बना सकती हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी। अगर तो क्रीम विप हो गई तो ठीक अच्छी बात है, वरना हम ये केक ऐसे ही खाएंगे। तो ये देखें केक ठंडा हो गया है, हम इसके ऊपर से बटर पेपर निकाल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक जो है वो तैयार हुआ है। ये देखें कितना स्पॉन्जी है, ये देखें देख सकते हैं आप, बहुत ही नरम और जूसी हमारा केक जो है वो तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना नरम है। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे धागे की मदद से, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। तो लेकिन पहले हम देखेंगे कि हमारी क्रीम जो है वो रेडी होती है कि नहीं, तो उसके बाद जो है हम केक को सेट करेंगे। अच्छा अच्छा देखें क्रीम जो है ना हमारी, ये देखें बस इतनी सी गाढ़ी हुई है, इससे ज़्यादा तो नहीं फूली है। तो केक को हमने धागे की मदद से जो है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और केक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्पॉन्जी बना, ठीक है। अच्छा दूध में ना हमने पाउडर शुगर मिक्स करके उसको एक सिरप की शक्ल दे रही है, तो हम इसको सोक करेंगे केक को पहले दूध से। इससे जो है ना केक जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो हम इसी तरह ना तमाम दूध जो है वो इस तरह डाल लेंगे, ये देखें इस तरह हर जगह डाल लें तो केक जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। आप शुगर सिरप भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप दूध में शामिल करें, आप चीनी और पानी का एक मिक्सर भी बना सकते हैं। ये देखें तमाम जगह पर जो है मैंने अच्छा सा इसको सोक कर दिया, ठीक है। हम किसी और तरीके से केक बना लेंगे क्योंकि व्हिपिंग क्रीम तो नहीं थी मेरे पास आज, तो दूसरी क्रीम मौजूद थी। मैंने वैसे ऐसे ही केक बनाना था, तो मैंने सोचा चलें आज ट्राई करते हैं कि मिल्क पैक से क्रीम से जो है वो बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब हम इसके इसी के ऊपर ये वाली क्रीम जो है ये भी डाल देते हैं, कोई बात नहीं मज़े की लगेगी, एक नया केक हो जाएगा। ये देखें ये देखें, अच्छे से हम इसके ऊपर जो है ना लेयर लगा देते हैं, इससे केक जो है ना हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए अच्छा जी क्रीम लगाने के बाद ना हमने इसके ऊपर चॉकलेट का चूरा डाल दिया है और दूसरे हमने पीस को भी सोक कर लिया है दूध से। अब ये वाला हम इसके ऊपर रखते हैं, दूसरा पीस भी इसके ऊपर रख दिया, तो इसको भी हम दूध से जो है वो सोक कर लेंगे अच्छे तरीके से। और इसके ऊपर भी क्रीम और चॉकलेट लगा के इसको ड्रेसिंग कर लेंगे इसकी। तो बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी,
अच्छी लगी तो यकीनन आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख के। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मेरा वॉच टाइम पूरा करने के लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखना पड़ेगा और लाइक कमेंट शेयर करने से मेरी हौसला अफजाई होगी। और नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ साथ रहा करें मेरे वीडियो के एंड तक। और जो भी वीडियो आपको पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना होता है, कम से कम मुझे इससे पता चलता है कि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आप लोग पसंद करें। तो देखें जी, ये दूध यहाँ हमने लगा लिया है, इसके ऊपर भी हम क्रीम की टॉपिंग करते हैं। ये देखें, क्रीम थोड़ी थोड़ी विप हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा फ्लफी नहीं हुई है क्योंकि ये मिल्क पैक क्रीम है। ठीक है, ये देखें, इसको हम अच्छा सा फैला देते हैं और फिर इसको जो है ना गार्निश कर देंगे हम चॉकलेट से, चॉकलेट का जो चूरा हमने बनाया है। तो मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी कि केक कैसा है, सॉफ्ट है कि नहीं है। तो मैं इसको तैयार कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो लीजिए जी, क्रीम केक हमारा तैयार हो गया है। तो कैसी लगी है रेसिपी, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना है आपने। और बहुत मज़े का केक है यकीनन, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगी वीडियो के एंड में। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तो ये मैं काट के दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये केक एक साइड से तो काट लिया था और एक साइड से ये देखिए, तो ये नीचे तक है। तो अरे